1055 नंबर लिए हैं ये मेरे बेटे ने 1100 में से। यार मुबारक हो आपको, आप तो टॉपर आदमी है। हाँ जी टॉप किया हुआ है। अब इसके लिए ये ICS कर रहा है, लैपटॉप लेना मुझे मुश्किल है। ये मुझे तो कहता है बुल मुझे लैपटॉप ले, मैं कहा वो दे रही है ना लैपटॉप मरियम बीबी भाई, बच्चे स्कॉलरशिप पर नहीं दे रही। किस पे दे रही है? 10 अरब का प्रोजेक्ट है फ्री लैपटॉप का। वो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स है ना उनको दिए गए थे ना के हमें दिए गए। तो आप अप्लाई किया था? नहीं, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। आप जरा उतरे हैं इधर आए, क्या किधर लेके जा रहे हैं झंडे? ये सेल करने की दुकान लगाएगा। ये तो टॉपर है, टॉपर ही लगाएगा ना स्टॉल। और ये किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा? यूनिवर्सिटी में तो जाएगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, अल्लाह का शुक्र है उसने टॉप किया, मेरा बेटा है उसने टॉप किया ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो टॉपर है, उसे कहीं बाहर पढ़ने भेजे, उसका मुस्तकबिल बनाए, आप दुकान लगवा रहे हैं। इतने सोर्स नहीं है ना मेरे पास। ये HEC को चाहिए ना कि जो टॉपर्स हैं पंजाब के उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, जो बाहर जाए, जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, इंग्लैंड जाए। कितने मार्क्स टोटल मेरे? 1055 1100 में से 96% मार्क्स। इतने नंबर कौन लेता है भाई? ये वही ले सकता है जो मेहनत करता है। कितने घंटे रोज पढ़ते रहे हो? मैं इतनी खास मेहनत नहीं, लेकिन ये है कि पढ़ाई रात के 2 बजे तक जागना पड़ता है इसको। हाँ ये खास मेहनत नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो मेहनत करता है उसे फील नहीं होती कि ये मेहनत है, जिसको किसी मुकाम पर पहुँचना होता है। तो अब आपने दुकान लगानी है, ये झंडे लगाने हैं, ये दिखाएं जी इधर, ये झंडे हैं पकड़ लें, ये सामान है सारा। मैट्रिक में टॉप करके तो दुकान लगानी है, क्यों भाई क्यों? साथ में मैं पढ़ता भी हूँ ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करता हूँ, पार्ट टाइम मेरा ये काम है। ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि पार्ट टाइम ये करना पड़े, क्योंकि घर के हालात क्या हैं? अखराजात पूरे नहीं ना हो रहे, तो फिर ये भी करना पड़ता है। कॉलेजेस की फीस अफोर्ड करनी पड़ती है, कॉलेजेस की फीस, GC यूनिवर्सिटी है उसकी 2 लाख रुपये फीस है एक साल की, फर्स्ट ईयर की। आपका ख्वाब है जिस में? लेकिन ग्रेवियन बनना चाहते हैं आप? अधूरा रह गया मेरा ख्वाब, अधूरा रह गया। क्यों भाई? क्योंकि अब मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में मेरा दाखिला फ्री हो गया था, कॉलेज में ना कि GC तो में हुआ। पैसों की वजह से मेरा GC यूनिवर्सिटी में दाखिला रह गया जी। FC यूनिवर्सिटी 3 लाख एक साल का ले रहा है। यानी जो आपने 2-2 बजे तक रात को जाग कर मेहनत की कि मैं ग्रेवियन बन जाऊंगा जी बिल्कुल, और आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक नाम है जिस यूनिवर्सिटी का, वो ख्वाब रह गया। तो आपको तो ये कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिला? नो नेवर, क्योंकि उस दौर में ये जो पॉलिटिशियंस थे इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 1 साल पहले, पिछले साल की बात है ना ये तो ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई में जी मेरी आपका ख्वाब रह गया, स्कॉलरशिप रह गई। अब बनना क्या है? मैं IT स्पेशलिस्ट। IT जी, IT की तो बड़ी डिमांड है जी बिल्कुल। अब मैं यही कहूँगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं ऊपर हुकूमत है, वो जो नीचे तबके पर बच्चे रह गए हैं उनको स्कॉलरशिप दें, उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिले दें, उनको बाहर HEC को चाहिए।